पूछो, तुम क्या कर रही हो? मैं पेपर को अलग अलग आकारों में काट रही हूँ अपनी ज्यामिति की कॉपी में चिपकाने के लिए। अच्छा, इन्हें क्या कहते हैं? अरे, इन सब आकारों से तो तुम्हारी जान पहचान पहले ही हो चुकी है। इन सब को हम समतल आकृति कहते हैं और अंग्रेजी में प्लेन फिगर्स। इन आकृति को तुम अपनी कॉपी में या ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ भी कर सकते हो। याद आया मुझे, इनके बारे में तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। मैंने तो इनका परिमाप और क्षेत्रफल भी निकालना सीखा था। शाबाश, सही कहा तुमने। चलो, अब तुम्हें मैं इन गत्ते के टुकड़ों से एक जादू करके दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ। उससे पहले तुम ये बताओ कि यहाँ दिए गए सब गत्ते के टुकड़े एक ही आकार और एक ही माप के हैं या नहीं? हाँ, ये सभी एक ही आकार के हैं। बढ़िया, अब इन गत्ते के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख कर देखो। तो हाँ, रख लिया। अब देखो तो ये क्या बन गया है? अरे, यह तो क्यूबॉइड बन गया है, जिसे हिंदी में घनाब कहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसमें जादू क्या था? अरे, यही तो जादू था, कैसे हमने आयताकार गत्तों के टुकड़ों से घनाब बना लिया और इस प्रक्रिया से जो आकृति तुम्हें प्राप्त हुई उसे हम ठोस आकृति कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें सॉलिड फिगर्स कहते हैं। क्या मैं ऐसी प्रक्रिया करके और भी आकृतियां प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसी प्रकार तुम बेलनाकार आकृति भी प्राप्त कर सकते हो और भी कई आकृतियां प्राप्त कर सकते हो। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अब इन ठोस आकृतियों के बारे में जानने के लिए यह अध्याय पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि तुमने पहले कहा था कि तुमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा था, तो अब हम इस अध्याय में घनाभों और बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि क्षेत्रफल तक तो ठीक था, लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आ गया और इसका महत्व क्या है? तो घबराओ मत, इस अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस अध्ययन को हम कुछ अन्य ठोस आकृति जैसे कि शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं अंग्रेजी में, गोला, जिसे हम अंग्रेजी में स्फेयर कहते हैं, में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं।